दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 5 दिन का वक्त बचा है, लेकिन अभी भी कांग्रेस कुछ स्टेट्स में नाम घोषित नहीं कर पाई है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश प्रमुख तौर पर शामिल है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, हिमाचल से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जा चुका है, जबकि हरियाणा में सिरसा, हिसार ऐसी सीटें हैं जिन पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। रोहतक भी एक ऐसी सीट है जहां से दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगभग फाइनल है, लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। विजय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हरियाणा में और हिमाचल में वो कौन सी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, और क्या ये अभी भी हरियाणा में स्थिति सुरजेवाला वर्सेज हुड्डा है, इसी वजह से टकराव है और सीट शेयरिंग में, आज सीट के अनाउंसमेंट में देर हो रही है? देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, हरियाणा में काफी सारी सीट्स पे, क्योंकि हरियाणा में 2 अलग अलग खेमे हैं, या कहिए बहुत सारे खेमे हैं। एक तरफ हुड्डा साहब हैं तो दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, कुमारी शैलजा हैं, किरण चौधरी हैं, और जो सीटों के ऐलान में देरी हो रही है, क्योंकि बैठक में जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें हरियाणा की सीटों पर पहले भी चर्चा हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी जो है नहीं कर पाई, तो उससे साफ पता चलता है कि माथापच्ची जो है अंदर वो बहुत ज़्यादा है। और आज की भी जो बैठक है उसमें बताया जा रहा है कि हरियाणा पर चर्चा नहीं होगी, यानी लगता है कि हरियाणा पर अभी भी माथापच्ची जो है वो बरकरार है, कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पा रही है, शायद इसीलिए कोई अनाउंसमेंट उसको लेकर नहीं हो रहा है। आज जो चर्चा होगी मोटा मोटी वो बिहार, पंजाब की बची हुई सीटें, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो सीटें बची हैं वहाँ पर 2 सीट्स का कांग्रेस पार्टी ने अनाउंसमेंट किया है, एक तो शिमला रूरल और उसके अलावा मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह को चुनाव दिया है, को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो आज भी हरियाणा पर चर्चा नहीं होगी, पर हरियाणा पर जिस तरह से आपने बताया, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम फाइनल है, हरियाणा पर कश्मकश अभी भी बाकी है। विजयलक्ष्मी, पंजाब जहाँ दोहरी चुनौती है कांग्रेस के लिए, एक तो इंडिया गठबंधन में सहयोगी है आम आदमी पार्टी, ऊपर से पंजाब में उनके साथ मुकाबला भी करना है, 13 में से सिर्फ 6 कैंडिडेट ही डिक्लेयर हो पाए हैं। ऐसे में जब कांग्रेस के नेता बड़े स्तर से पंजाब में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में पंजाब में क्या दुविधा है? वहां तो गुट नहीं है, कौन कौन सी सीटें अटकी हैं और पंजाब की सीट डिक्लेरेशन में देरी क्यों हो रही? देखिए, जहां तक बात है पंजाब की, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार अगर आप देखें तो उनका प्रदर्शन बेहद अच्छा था, 8 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी को मिली थी कुल 13 सीटों में, लेकिन इस बार क्योंकि चुनावी समीकरण बदले हुए हैं, मुकाबला मुख्य मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पाला बदल करके दूसरी पार्टी में चले गए। अब जैसे मनीष तिवारी जो हैं वो आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़ते थे, इस बार उनके चुनाव में जो उनकी सीट में बदलाव किया गया, उनको चंडीगढ़ से जो है वो दिया गया। इसी तरह से कांग्रेस की कई ऐसी सीटें हैं जहां से लोग जो हैं छोड़कर कांग्रेस पार्टी दूसरी जगहों पर चले गए, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो दिया जाए ताकि कड़ी टक्कर दी जा सके। और पंजाब जैसा स्टेट जहां से कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 8 सीटें दी थी, उस बार भी कांग्रेस को उम्मीद है कि इस सीट से कांग्रेस मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है वो ले सकती है, इसलिए वहां पर जो चुनावी समीकरण है या कांग्रेस चाहती है कि विनेबल कैंडिडेट जो है उसी को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारे, और इसलिए जो बाकी बची सीटें हैं उस पर समय जो है वो लग रहा है।